जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के जो लास्ट टाइम आपको मिला है, इसमें मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, रात दिन को एक करते हुए और अपने पथ की तरफ बढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, यहां पर आपकी जो है एग्जाम सिटी की डिटेल भी आ गई है, तो आप लोग चेक कर चुके होंगे। अब इसमें थोड़ा डाउट यह आया कि कुछ बच्चों ने बताया कि हमारे नामों में मिस्टेक आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा उस पर भी बात करूंगा। और पुरानी आपके दिमाग में ये भी मैं जरूर डालना चाहूंगा कि पिछली प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है, इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, और आपको कितनी ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है और कहां तक हमको पहुंचना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस का जो एग्जाम है आप जान रहे हैं 17-18 तारीख को है, एग्जाम आपका 17-18 फरवरी को है। एग्जाम सिटी आपने देख ही ली है, इसके अलावा एग्जाम सिटी डिटेल आपकी आ गई है और नेम में दिक्कत आ रही है। कई भाइयों का कमेंट है कि सर नेम में दिक्कत आई है, किसी का अधूरा ही नाम आ जा रहा है, कुछ की डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो ये कैसे हो गया, क्या पॉसिबल हुआ, ये क्या हुआ? देखिए, उनके पास भीड़ बहुत ज्यादा थी, कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में ही गड़बड़ हुई है। ऐसा नहीं कि बोर्ड की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा क्या सोल्यूशन आपको हो सकता है। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है, बिल्कुल सही बात है। क्या एफिडेविट बनवाना है? देखिए, यदि नाम में गड़बड़ है तो वहां पर या तो एग्जाम सिटी, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम के समय में फॉर्म भी भरवा जाता है, तो या तो आपसे फॉर्म भरवा जाएगा, एफिडेविट का भी 1% चांस रहेगा, 99% वहां फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और अगर ज्यादा ही दिक्कत होगी तो तब तो भाई दिक्कत आएगी। ठीक है, इसका एग्जाम सेंटर पर फॉर्म भरवाया जाएगा। जी हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है, फॉर्म भरवा लेते हैं, किसी का जो है थोड़ा बड़ा दिक्कत आती है तब। 2019 वाली वैकेंसी की मैं बात करूंगा। अब तक थोड़ा सा आपके दिमाग में मैं पीछे रिकॉल इसलिए कराना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चल सके जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। तो ये आपको देखने से आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा, मैं बिल्कुल इजली तरीके से आपको समझाने वाला हूं। मैं आपको लेके चलता हूं 2019 की वैकेंसी की। इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी वो वैकेंसी हो गई थी मेरिट बेस पर, 2015 में अखिलेश की सरकार में निकली थी और जो है उसी समय पे फिर बाद में इनकी सरकार में सिर्फ रनिंग हो पाई थी, रनिंग के बाद में बाकी स्टेप नहीं हो पाए थे, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उस भर्ती को पूरा कंप्लीट कराया। 2017 और 18 की भर्ती वो कहलाई, 18 में ज्वाइनिंग मिली, फिर एक 18 में फिर एक नई वैकेंसी निकलती है और ये 2019 में इसमें पद रहते हैं आपके। ये 2018 में एक वैकेंसी निकलती है और इसमें पद रहते 41,520 17 में कंप्लीट होने के बाद में। तो ये 2013 से 2017 में जाके, मतलब 18 में जाके वैकेंसी निकली पेपर वाली, 5 साल का गैप यहां भी रहा है। ऐसी बात नहीं पहले गैप नहीं हुआ, ऐसे पहले गैप भी हुए हैं। मायावती की सरकार में 2012 में भर्ती निकली थी, फिर अखिलेश की सरकार में फिर से फॉर्म भरे गए, 13 में फिर उसमें फॉर्म भरे गए और यहां पर वो वैकेंसी की संख्या को दोबारा से डबल पेपर के थ्रू कंप्लीट कराया गया था। मैं उसकी नहीं 2018 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 2018 में देखिए कुल आवेदन की मैं संख्या की बात करूं तो 23,75,184 फॉर्म 2018 में भी भरे जा चुके। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार 50 लाख भर गया तो ज्यादा भर गया, 2018 में भी 23 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यहां पर देखिए जो कट ऑफ लगी थी दोस्तों डीवीपीएसटी के लिए, तो आपकी अनरिजर्व की जो फर्स्ट मेरिट लगी थी 225 पे लगी थी, तो बच्चों को समय नहीं मिला था और समय नहीं मिलने के कारण बच्चे रनिंग नहीं लगा पाए थे, सिर्फ एक दिन का, मतलब इधर एडमिट कार्ड इधर रनिंग, इधर एडमिट कार्ड इधर रनिंग, तो बच्चे रनिंग नहीं कर पाए थे और इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो गए थे और यहां पर एक सेकेंड लिस्ट फिर जारी करनी पड़ी थी। तो आप देखते होंगे जो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी उसमें 225 पे मेरिट लगी थी, ओबीसी की 216 पे मेरिट लगी थी, एससी की 187 पे लगी, एसटी की 153 पे लगी, फीमेल की 199 पे लगी थी फर्स्ट मेरिट, समझ गए। फिर इसके बाद में पीएसटी, मतलब ये डीबीपीएसटी, फिर एक सेकंड मेरिट लगी, जब बच्चे रनिंग नहीं कर पाए तो फिर एक सेकंड मेरिट लिस्ट लगानी पड़ी, 215 पे लगी, 204 पे लगी ओबीसी की और 172 पे लगी, 135 पे लगी एसटी और 181 पे लगी जो है आपकी फीमेल की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी, तो देखिए फाइनल जो जाके लगी फिर फाइनल 229 पे लगी। अगर मैं जनरल की बात करूं सिविल, पीएस सिविल की पुलिस की, तो वहां पे जो है 229 पे जाके लग जाती है और पीएससी की 216 पे जाके लग जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं 215 से 16 सिर्फ एक ही नंबर देखने को मिला बढ़ा हुआ अनरिजर्व में। ठीक है, फीमेल की 149 पर रह जाती है, ओबीसी की बात करें 221 पर रहती, 211 पर रह जाती है ओबीसी, मतलब पीएससी की
एससी की बात करूं 198 पे सिविल और पीएससी 182, एसटी की बात करूं 159 और 182। मतलब तो ये देखिए यहां पर जो है 182 ये भी रही आपकी जो है, एसटी की भी 182 रही, पीएससी की और 159 रही आपकी जो है सिविल की। इसके बाद फीमेल की बात करूं अनरिजर्व 149, ओबीसी 147 और एससी की 145 और एसटी की 91। इस पर मेरिट रह जाती है फाइनल 2018 की भर्ती और 41,520 की। अब इसके बाद तुरंत एक वैकेंसी फिर 2019 में निकल जाती है 49,568 की एक वैकेंसी फिर निकलती है। कुल आवेदन यहाँ पे 19 लाख होते हैं। देखिए यदि ये वैकेंसी निकली इसके तुरंत बाद अगर एक वैकेंसी और निकल जाए तो आवेदन की संख्या 50 लाख में से घट के आ जाएगी 35 या 40 लाख पे। आवेदन की संख्या पर घट जाती है, जहां 24 लाख था अप्रोक्स, यहां पर घटकर कितना हो गया 19 लाख, 5 लाख फॉर्म यहां पर सीधे सीधे घट गए, क्योंकि उनको पता है कि हमारा तो होगा नहीं कुछ की। एज भी निकल जाती है, कई समस्या आती है, एज निकलती है, हमारा होगा नहीं, फॉर्म नहीं भरते और कुछ का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डीबीपीएसटी की जो मेरिट लगती है 2019 वाली की, तो ये लगती है अनरिजर्व की 182, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। और ये मेरिट इनकी तो फाइनल में ऐसे ले लिए थे ये महिला। और एक चीज और है, ये मेरिट जो है ऐसा नहीं है कि शो करते हैं, शो नहीं करते हैं। मेरिट कब शो करते हैं? फाइनल में जाके। ये इस टाइम पे जो है फाइनल मेरिट पे ही शो करते हैं। अभी तो सिर्फ आपके कॉल लेटर आएंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा आपका आ गया है और अपना तुरंत चलिए फिजिकल के लिए। इसके बाद देखिए फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, फाइनल जो गई 2019 वाली भर्ती की 49 वाली की, तो 193। अब देखिए 225 मतलब 229 से उठ के कहां पे मेरिट चली आई, 193 पे फाइनल मेरिट है ये फाइनल। और 185 थी 193, देख रहे कितनी बढ़ी है, आप समझ सकते हैं 5 और 3 8 नंबर यहां पर जो बढ़ी। पीएससी की 180, ओबीसी की बात करें तो 185 रही सिविल की और पीएससी में रही 176। ठीक है, और एससी की हम बात करें 159 पर रही और 149 पर रही पीएससी की। ठीक है, और एसटी की हम बात करें तो 131 पर रही सिविल और पीएससी की रही 120 पर। तो मेरिट में यहाँ पे काफी सारा अंतर देखने को यहाँ से यहाँ पे मिल गया। मैं इसीलिए आपको इसकी तरफ लेकर आया हूँ कि आपकी मेरिट अब कहाँ जाएगी। ठीक है, अब फीमेल की हम बात करें तो 167 ओबीसी की रहती है, 132 मतलब 132 जो है आपकी एससी की रहती है, 96 जो है एसटी की रहती है। फीमेल में जो थी सब सेलेक्ट यहाँ पर हो जाती हैं। 2018 और 2016 में एक वैकेंसी और निकलती है, मतलब 2016 में निकलती है मेरिट बेस पर भर्ती को कैंसिल करके 2018 में फिर निकाला जाता है कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस, तीनों में वैकेंसी फिर निकलती है। तो दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लगती है, जो हमारा भी सिलेक्शन इसी में हुआ है, तो यहाँ पर जो अनरिजर्व की मेरिट रहती है 191 रहती है फाइनल, ओबीसी की 178 रहती है और एससी की 159 रहती है और एसटी का जो है कंफर्म नहीं, शायद 130 के आसपास ये भी रही है और महिला की 133 के आसपास ये भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रही मेरिट आपकी फाइनल में, ये भर्ती पुलिस की जो है सिपाही वर्ग की ये लास्ट वैकेंसी हुई है 2021 में, सितंबर में ये लोगों की ज्वाइनिंग हुई है 2021 के सितंबर में, समझ गए। और यहीं पे जो है आपकी सिविल पुलिस की और जितनी भी जेल वार्ड और फायर है इन वैकेंसियों का एंड होता, फिर से वैकेंसी 2023 में फिर निकलती है, तो इसकी कितनी मेरिट जा सकती है। तो देखिए आप इस वाली से आंकड़ा लेके चलेंगे इस वैकेंसी का, अगर इस आंकड़े पर अगर आप हैं तो आपको कोई भी काटने वाला नहीं है, मेरिट लमसम यही देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपका ध्यान इस वीडियो पर लेकर आया और पिछले प्रीवियस आपको कट ऑफ दिखाई ताकि आपको ये पता चल सके कि कट ऑफ कितनी रहेगी, समझ गए। तो ये आपकी रहने वाली है कट ऑफ। तो आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे अच्छे से और इस पर अब जो है आप अमल करेंगे। और आपके पास में जो भी आज समय मिला है, आज 11 तारीख हो चुकी है, आपके पास चुनिंदा समय है, आपका जो है 4 से 5 ही दिन है आपके बीच में, तो आप इस 4 से 5 दिन के रण को बढ़िया से कामयाब कीजिए और इस मेरिट को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। ठीक है, और अच्छे से स्कोर करके आना। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए, दम लगा के। जय हिंद, वंदे मातरम।